الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما حرم الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرف عن بعض فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد سقت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون السلام عليكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی، قرآن حکیم کے 27 پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور شہر صدوم کی طرف ان کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا. قوم ہومو سیکسولیٹی کے اندر مبتلا تھی. اللہ تعالی نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا کہ چونکہ یہ الٹا کام کر رہے ہیں لہذا ان کی بستی کو الٹ دیا جائے. فرشتے آئے فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا. جب ہمارا عذاب آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر والے حصے کو اس کا نچلا حصہ بنا دیا گیا، بستی کو تلپٹ کر دیا گیا. اور اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر حجارتم من سجیل کی بارش ہوئی. یہ ٹکڑا بہت ہی عجیب و غریب ہے. سجیل کہتے ہیں پکی ہوئی مٹی اور حجارہ کہتے ہیں گول پتھر. تو پکی ہوئی مٹی کے گول پتھر یہ دنیا کے کسی پہاڑ میں نہیں پائے جاتے.
जिन पत्थरों के बरसाने की बात कही गई है, ये दुनिया के किसी पहाड़ में नहीं पाए जाते, बल्कि ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से भेजे गए थे। हजारतुम मिन सिज्जील, पकी हुई मिट्टी के गोल पत्थर, दुनिया के किसी पहाड़ में इस किस्म के पत्थर नहीं पाए जाते, और हर पत्थर मार्क्ड था, मार्क्ड मुसव्वमा, हर एक पत्थर पर निशान लगा हुआ था कि किस आदमी को कौन सा पत्थर लगना है, अचूक निशाना। भेजा जाए तो खता ना करे, जाकर ऐन हदफ के ऊपर पड़े, और इस तरह पूरी बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया गया। इससे एक पैगाम यह मिला कि अल्लाह का कानून मुजाजात, बदले का कानून, और अल्लाह का कानून मुकाफात किसी बस्ती को तबाह करने का उस वक्त तक फैसला नहीं करता जब तक कि उस बस्ती में काबिले लिहाज भलाई मौजूद है, और अगर उस बस्ती के अंदर भलाई आटे में नमक के बराबर भी न रह जाए तो अल्लाह तबारक व ताला का अजाब हरकत में आता है और अच्छे लोगों को बचा लिया जाता है और बुरे लोगों के साथ वही मामला किया जाता है जो एक होशमंद बागवान अपने बाग के सड़े हुए फलों के साथ करता है कि बाग से उठाकर फेंक दिया जाता है। ये बस्ती तबाह बर्बाद कर दी गई। बरतानवी तहकीकाती एक टीम ने इस बस्ती के तबाह शुदा आसार को डेड सी के तह के अंदर मालूम कर लिया, दरियाफ्त कर लिया, गोया ये बस्ती अब डेड सी का हिस्सा है। डेड सी मीन्स बहरे मय्यित, बहरे मुर्दार, और आपको मालूम है कि इस समुंदर के अंदर कोई भी जानदार शय नहीं रह सकती। यह दुनिया का वाहिद समुंदर है कि जिसके अंदर कोई जानदार चीज मिलती नहीं, कीड़े भी जिंदा नहीं रहते, मर जाते हैं। और इस समुंदर के पानी की डेंसिटी यानी कसाफत और इसकी बॉयंसी, इसका उछाल इतना है कि अगर किसी को तैरना ना आता हो तब भी समुंदर में नहीं डूबेगा। ये इस समुंदर की खसूसियत है। ये दुनिया का वाहिद समुंदर है जिसके अंदर कोई जानदार शय नहीं जी सकती, और इस समुंदर के पानी की डेंसिटी कसाफत और उसकी बॉयंसी, उसका उछाल इतना है कि अगर किसी को तैरना ना आता हो तो भी वो आदमी डूबेगा नहीं। अल्लाह ताला ने इस बस्ती को इसी बहरे मुर्दार का एक हिस्सा बना दिया है, और बरतानवी टीम ने इस तबाह शुदा बस्ती के आसार का पता बहरे मय्यित की तह के अंदर लगा लिया। फरमाया गया, قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين। फरिश्तों ने कहा कि हमें कौम मुजरिम की तरफ भेजा गया है। एक होता है मुलजिम, एक होता है मुजरिम। सबूत से पहले आदमी को मुलजिम कहा जाता है और सबूत के बाद आदमी को मुजरिम कहा जाता है। इसका मतलब ये कि इनके बुराइयों के सारे सबूत फराहम हो चुके थे, इसी वजह से इन्हें मुजरिम कहा गया। कुरान कैसी बातें करता है। قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين, हमें मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है, मुजरिम लोगों की तरफ भेजा गया है। لنرسل عليهم حجاره من طين, ताकि हम इनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के गोल पत्थरों की बारिश करें, और मुसव्वमतन عند ربك, जो तेरे रब के पास ही निशान जदा है कि ये पत्थर फला को लगना है। अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी फरमाया कि फमा वजदना फीहा गैर बैतिन मिनल मुस्लिमीन, उस गांव में सिवाय एक मुस्लिम घर के और कोई घर नहीं पाया गया। और आगे मोमिनीन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब यह कि मुसलमान सिर्फ उन्हीं लोगों को नहीं कहा जाता जो लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं।
जिनको मोहम्मडन कहते हैं लोग, सिर्फ उन्हीं लोगों को मुसलमान नहीं कहा जाता जिनको मोहम्मडन कहा जाता है दूसरे लोगों की जबान में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि हर नबी के ऊपर ईमान लाने वालों को मुसलमान कहा गया है। जैसे यहां लूत अलैहिस्सलाम की कौम में से जो लोग आपके ऊपर ईमान लाए उनको मुसलमान कहा गया, और उन्हीं को मोमिन भी कहा गया। इसका मतलब यह हुआ कि हर मोमिन मुस्लिम होता है। यहां तक बात समझ में आ गई तो आगे देखिए, अल्लाह ने फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन वइन्ना लमूसिउन, हमने आसमान को बनाया और हम उसको वसी कर रहे हैं। जब से बिग बैंग हुआ है कायनात मुसलसल फैलती जा रही है। तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफिक हैं कि कायनात का फैलना बदस्तूर जारी है। कायनात किसी हद पर जाकर रुक नहीं रही है बल्कि मुसलसल वसी होती जा रही है, फैलती जा रही है। इसी की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिउन, हमने आसमान को कुव्वत के साथ बनाया है, ताकत इस्तेमाल करके बनाया है, और हम उसको बराबर उसात दिए जा रहे हैं। ये कायनात बराबर फैलती जा रही है। उसके बाद मकसद तखलीक इंसानी को बयान किया गया कि इंसानों की जिंदगी के मकासिद क्या है, इंसान को इस दुनिया में क्यों पैदा किया गया। एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस बयान की जाती है कि लौला कलमा खलकतुल अखलाक, कि ऐ हमारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं कायनात को पैदा ना करता। यह हदीस झूठी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को किसी की वजह से पैदा नहीं किया है, बल्कि उसकी इल्लत और उसका सबब इस आयत करीमा में बयान किया गया। देखिए वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। गोया कि मकसद तखलीक इंसानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अल्लाह ने इस कायनात को, इस दुनिया को किसी की वजह से नहीं पैदा किया है, किसी शख्सियत की वजह से पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, इस आलम को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। सूरह तूर शुरू हो रही है, अल्लाह ने फरमाया वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्म मंशूर वल बैतिल मामूर। यहां बैत मामूर एक मस्जिद का नाम है। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में हजरत आमिर इब्ने सासा रजी अल्लाह तआला ने रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में तशरीफ ले गए तो आपने साथ में आसमान पर उस मस्जिद को देखा जिस मस्जिद का नाम बैत मामूर है। तो आपने जिब्राइल से उसके बारे में जब दरियाफ्त फरमाया तो जिब्राइल ने फरमाया कि इस मस्जिद के अंदर एक बार 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और फिर कयामत तक उन 70,000 की बारी दोबारा नहीं आएगी। अल्लाहु अकबर। वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, तेरे रब के लश्कर को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता कि उनकी तादाद क्या है। एक बार 70,000 फरिश्ते दाखिल हुए तो कयामत तक इन 70,000 फरिश्तों की दोबारा बारी नहीं आएगी उस मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके। अंदाजा लगाइए कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते कितनी तादाद में है। ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है, रावी हजरत आमिर इब्ने सासा हैं। उसके बाद ये फरमाया गया कि जन्नती जैसे जन्नत में पहुंचेंगे फौरन उनकी शादी करा दी जाएगी। जी वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम शादी करा देंगे इनकी हूरे ईन से। आहा, हूरे ईन से शादी करा दी जाएगी। कैसी होती हूँ हूरे ईन? हदीस में आता है अगर कोई हूर जमीन की तरफ झांक दे तो पूरी जमीन में झमाके होने लगे रोशनी, इतनी खूबसूरत होती। और सूरह साफ़ात के अंदर उन्हें बैज़ मकनून कहा गया है, छुपे हुए अंडे। दर हकीकत शतुरमुर्ग के अंडों को बैज़ मकनून कहा गया है, शतुरमुर्ग के अंडे। शतुरमुर्ग का अंडा ऐसे जर्दी मायल होता है, बहुत खूबसूरत होता है, और शतुरमुर्ग हमेशा अपने अंडों को अपने परों के नीचे छुपाए रखता है। जाहिर है कि जो अंडा परों के नीचे छुपा हुआ हो उस
अंडे के ऊपर गर्दो गुबार या गंदगी नहीं लगती, महफूज रहता है। इसका मतलब यह हुआ कि शफाफियत में, सफाई में और तहारत में वो शतुरमुर्ग के अंडों की तरह है। और कभी कोई ऐसा और औरत देखिए जिसकी शक्ल और जिसकी जिल्द का रंग जर्दी मायल हो, खूबसूरती की इंतहा है। कान्नहुन्न बैज़ुन मकनून, हम इन्हीं हूरे इन के साथ उनकी शादी करा देंगे। अच्छा, ये दुनिया की औरतें, ये दुनिया की औरतें जो है अगर जन्नती हैं और उनका शौहर जहन्नमी है, तब तो उस जहन्नमी शौहर से इस नेक औरत की शादी तो नामुमकिन है। इसको किसी दूसरे जन्नती के निकाह में दे दिया जाएगा। कौन चाहता है कि मेरी बीवी दूसरे के निकाह में जाए? तो जरा अच्छे अमल करो ताकि बीवी हाथ से ना निकल जाए, कोई दूसरा जन्नती हाथ ना मार दे। बीवियों को कम से कम बचाओ और उनका ख्याल रखो। यहां तो बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं आप, और अगर आपने नेक काम नहीं किया दूसरे जन्नती के निकाह में दे दी जाएगी। अरे कम से कम बीवियों का तो लिहाज रखो, अच्छे बनो, नेक बनो, नमाजी बनो, परहेजगार बनो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले बनो। तो हम हूरे ईन के साथ तुम्हारी शादी कर देंगे। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हम शादी कर देंगे उनकी हूरे ईन के साथ। ये हूरे ईन कौन है? अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंशअनाहुन इंशा, हमने उनको बतौर खास बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए। अब बतौर खास बनाया है तो कोई स्पेशल किस्म की औरतें होंगी है, जिनको आदमी अपने तसव्वुर में नहीं ला सकता। अल्लाह ने फरमाया स्पेशल तौर पर हमने उन्हीं के लिए पैदा किया। इन्ना अंशअनाहुन इंशा, जो अरबी जानते हैं वो इस उसलूब को देख करके लुत्फ ले सकते हैं कि अनशाना के मफूल मुतलक को जाहिर कर दिया गया है। अब उर्दू से कैसे समझेंगे इस नुक्ते को? इन्ना अनशाना हुन इंशा, हमने इनको बतौर खास जन्नतियों के लिए बनाया है। ये स्पेशल किस्म की औरतें कि जहनो दिमाग में अभी किसी आदमी को उनका तस्वूर भी नहीं गुजरा होगा कि औरत इतनी हसीन भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है। उरुबन अतराबा, स्पेशल तो बनाई गई है लेकिन और कैसी होंगी? उरुबन, उरुबन असल में ये अरूबा की जमा है। अरूबा जमुहु उरुबन, उरुबन उरुबन का मतलब होता है हुस्नो जमाल में, अखलाक और किरदार में ऐसी के उसकी एक एक अदा शौहर को पसंद होती, इसको कहते हैं उरुबा। शौहर उसकी एक एक अदा को पसंद करे उसको कहते हैं उरुबा। और अतराबा बिल्कुल हम उम्र, तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है कि जन्नतियों की उम्र 33 साल होगी और जब ये हम उम्र होंगे उसका मतलब ये कि इनकी उम्र भी 33 साल होगी। ये तिर्मिजी शरीफ की रिवायत है। क्या उम्र क्या होगी जन्नतियों की? 33 साल, 33। और इन्हीं के हम उम्र होंगी हूरे भी 33 साल। उरुबन अतराबा। अच्छा, यहां की औरतों में और हूरे इन में फर्क क्या है? हूरे इन को बिला उनकी इजाजत के लिए के अल्लाह तबारक व ताला जिस जन्नती को देना चाहेगा दे देगा, लेकिन दुनिया की औरतों से पूछा जाएगा ये लोग हैं किन के निकाह में रहना चाहती है, इनसे पूछा जाएगा और उनसे पूछा नहीं जाएगा। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, और एक मर्द की कई कई औरतें होंगी, हूरे होंगी, लेकिन एक औरत के कई कई शौहर वहां नहीं होंगे, इसलिए कि वहां भी बच्चे अगर आदमी चाहेगा तो बच्चे पैदा होंगे। अब अगर एक औरत को कई शौहरों के निकाह में दे दिया गया तो बच्चा किसका होगा? वही एतराज जो दुनिया में पैदा हो रहा था वही एतराज वहां भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम शादी कर देंगे, उसके बाद अल्लाह ने फरमाया والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين, जिनके माँ बाप, जिनके आबा अपने आमालो किरदार और नेक अमलों की वजह से जन्नत के एक क्लास में पहुंच गए और उनके बेटे बेटियां ये बी क्लास में हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा के बाप और माँ आबा वाजदाद के नेकियों की वजह से उनकी जुर्रियत को जो बी क्लास में है इनको बी क्लास से उठा करके ए क्लास में दाखिल कर देगा।
ए क्लास वालों को बी क्लास में नहीं लाएगा, ये तो ना इंसाफी होगी कि ए क्लास वालों को बी क्लास दे दिया जाए, ये ना इंसाफी है। लेकिन अगर अल्लाह बी क्लास को ए क्लास देना चाहे तो ये अल्लाह का फजल है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से जहां उसका अदल मुतासिर नहीं होता, उसका इंसाफ मुतासिर नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला नेक माँ बाप की नेक जुर्रियत को जो उसके नीचे दर्जे में है, बी क्लास में है, उनको उठा करके ए क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। और लगता है सारे के सारे लोग शादी में रहेंगे, दोस्त अहबाब भी आ जाएंगे। फरमाया गया ये वहां पहुंच गए अपने माँ बाप के पास। وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, यहां खींच का बयान हो रहा है, और हम उनको मुहैया करेंगे हर किस्म के मेवे जो वो चाहेंगे। अब हर किस्म का मेवा, दुनिया में आदमी ने कुछ मेवे देखे होंगे, कुछ फ्रूट देखे होंगे, वो तो रहेंगे ही, लेकिन ऐसे फ्रूट्स और भी होंगे जिनको आदमी ने देखा भी नहीं, वो सोचा भी नहीं होगा। हर किस्म के फल, एवरी काइंड ऑफ फ्रूट्स, हर किस्म के फल, बेफा की हद इनफा क्या माने फ्रूट, वलहमिम्मा यश्तहून और हर किस्म का गोश्त जो वो पसंद करेंगे। तीतर का चाहिए तीतर, बटेर का चाहिए बटेर का, मुर्गा चाहिए काला मुर्गा चाहिए कि पीला मुर्गा चाहिए, सारे किस्म के मुर्गों का गोश्त हाजिर। बकरा चाहिए बकरा कैसा, वलहमिम्मा यश्तहून, हर किस्म का गोश्त जिसकी इंसान जिसकी जन्नती ख्वाहिश करेगा इश्तेहा करेगा, वलहमिम्मा यश्तहून, फ्रूट की कसरत, हर किस्म के फ्रूट, हर किस्म का गोश्त, साथ में शराब। तनाजा कैसी शराब, ये दुनिया की शराब नहीं, दुनिया की शराब नहीं है कि पीते ही आदमी गटर में गिर जावे, वहां भी शराब का मामला ही दूसरा होगा। अब शराबें रख दी गई, खा रहे हैं तो प्यार से झगड़ रहे हैं, उसकी बोटी उठाकर अपने प्लेट में रख रहे हैं, उसका गिलास उठा करके अपने पास खींच रहे हैं। तर्जुमा देखिए, यतनाज़ऊन फीहा कासन, वो शराब के गिलासों में झगड़ा कर रहे होंगे, अरे यार जरा देना यार, वो गिलास उठा, वो ला इधर दे, यतनाज़ऊन फीहा कासन, लेकिन गालियां नहीं बकेंगे, यहां लग्व भी बोलते रहते हैं, माँ की और बहन के भी कुछ बोलते रहते हो, तो वहां ला लगून फिया वला ताफीन, वहां लगव बात वला ताफीन और गुनाह की बात जबान से नहीं निकलेगी, प्यार से सब एक दूसरे से झगड़े, जरा ग्लास मैंने बोटी इधर कर, ये तनाज़ऊन फिया कासल ला लगून फिया वला ताफीन, अच्छा वयतूफु अलैहिम गिलमानु लहुम कअन्नहुम लूलू मकनून, ऐसे वेटर्स होंगे सर्व करने वाले आपके टेबलों के ऊपर, टेबलों को ऊपर सर्व करने वाला, कान लूलू मकरून, ऐसे वेटर्स नहीं देखे होंगे जैसे कि छुपे हुए मोती हूं, इतने खूबसूरत होंगे, इतने खूबसूरत, वाक वाला बाधुम वाला बौदी तसालून, और आमने सामने बैठकर, वाक वाला बाधुम वाला बात, एक दूसरे के मुकाबले बैठकर सवाल कर रहे होंगे, यार हम लोग तो बिल्कुल डरे हुए थे, कालू इन्ना कुन्ना मिन क़ब्ल फी अहलिना मुशफ़िकीन, हम तो डरे हुए थे न जाने हमारे साथ क्या मामला होने वाला है, कहीं जहन्नम में न फेंक दिए जाए, फ़मन्नल्लाहु अलैना वबक़ाना अज़ाब अस्समूम, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें जहन्नम की आग से बचा लिया, जन्नत में पहुंचा दिया, ये अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान। तो ये एक मंजर है जो सूरह तूर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतियों का पेश किया है, जो नेमतें उनको दी जाएंगी वो मंजर पेश किया गया, इस तरीके से उनकी शादी का मंजर पेश किया गया। उसके बाद एक सवाल किया जा रहा है, जिस सवाल के पीछे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वजूद को साबित किया है। सवाल, अम खुलिकु मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकुन, क्या ये बगैर खालिक के पैदा हो गए, एक सवाल, बगैर खालिक के ये क्रिएशन है, क्रिएशन विदाउट एनी क्रिएटर, बगैर किसी क्रिएटर के पैदा हो गए, क्रिएशन है ना, आप मखलूक है ना, आप क्रिएटेड है ना, तो क्रिएटेड मौजूद, क्रिएशन मौजूद विदाउट एनी क्रिएटर, कैसे बोल सकते हैं आप मखलूक हैं क्या बगैर खालिक के, आप पैदा कर दिए गए हैं बगैर किसी खालिक के, या आपने खुद अपने आप को क्रिएट कर लिया है, यू क्रिएटेड योर सेल्फ, ऐसे कैसे आपने अपने आप को खल्क कर लिया, ये बताइए क्या आपको पैदा करने वाला कोई नहीं, आप क्रिएटेड हो गए विदाउट एनी क्रिएटर, या यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ, या अपने आप को आपने खल्क कर लिया है,
ان دونوں سوالوں کے جواب میں مخالف کے پاس صرف سکوت ہے, صرف سائلنس ہے. یہ سائلنس مخالف کا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کا خالق ہے. کیا بہترین دلیل دی گئی ہے. صرف اتنا سوال کیا گیا, تم بغیر خالق کے پیدا کیے گئے ہو؟ نہیں. تم نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے؟ نہیں. جب تم کو معاملہ تمہارا ایسا ہے کہ تمہارا کوئی بغیر خالق کے تم پیدا نہیں ہوئے اور تم نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا, تو مانو کہ ایک کریٹر ہے اور وہ کریٹر دیٹ از اللہ. واللہ تو اللہ کے وجود کی دلیل دی گئی کہ تم ہو تو وہ ہے. تمہارا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ موجود ہے, اس لیے کہ کوئی کریشن وداؤٹ کریٹر نہیں ہوتی. اس کے بعد ایک سوال اور کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبوت دی گئی, انہیں ہی رسالت کیوں دی گئی, انہیں ہی کیوں نبی بنایا گیا؟ اللہ اس کا جواب دے رہا ہے, ام عندہم خزائن رحمت ربک, کیا تمہارے رب کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ یہ ایک بہت ہی پیارا سوال ہے کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کیوں نبی بنایا گیا. اب اللہ یہ پوچھ رہا ہے, دنیا کی ہدایت کے لیے کسی آدمی کو رسول بنا کر بھیجنا ضروری تھا, اب بھیجا, اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا یا تم فیصلہ کرو گے؟ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی رسول کا لوگوں کی طرف, انسانیت کی طرف بھیجا جانا ضروری تھا, بھیجنا ہے کسی کو, اب فیصلہ کون کرے گا کہ کس کو رسول بنایا جائے؟ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ, مسیطر تم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا فیصلہ کرے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک مان رہے ہو کہ ہم جس کو رسول چاہیں اللہ اس کو رسول بنا کر کے ہمارے پاس بھیجے. رسول بنا کر بھیجا جانا ضروری, اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے کہ کس کو بھیجنا ہے؟ اللہ فیصلہ کرے گا کس کو بھیجنا ہے. اگر تم کو ہمارے فیصلے سے بھیجنا ہے, اس کا مطلب تم خدائی میں شرکت کے دعوے دار ہو کہ خدائی میں ہم شریک ہیں. اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ستارے کی قسم کھائی. ذرا غور سے دیکھیے, بہت ہی باریک بات بولنے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اس باریک بات میں جو در حقیقت قسم سے مستفاد ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی رسالت اور آپ کی رسالت کے برحق ہونے پر استدلال فرمایا. ستارے کب نکلتے ہیں؟ رات میں. ڈوبتے کب ہیں؟ جب دن نکلنے والا ہوتا ہے, دن نکلنے سے پہلے ڈوب جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی جب وہ جھک جائے. اب بتائیے پوری رات گزر گئی ہے, رات کا بیشتر حصہ گزر گیا ہے, اب دن نکلنے میں تھوڑی دیر باقی ہے. گویا 40 سال نبی کے گزر گئے ہیں, اب تھوڑے سے دن اور باقی ہیں. 40 سال تک تمہارے درمیان رہا نبی, روشنی میں, پوری روشنی میں رہا. اب رات کا پورا حصہ گزر گیا ستاروں کے درمیان, اب تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے سورج کے نکلنے میں. اس تھوڑے سے وقت کے اندر یہ جھوٹ بولے گا؟ پوری رات تو جھوٹ نہیں بولا. یہ رات کا اکثر حصہ گزر گیا, 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزرا ہے, تم اس کو امین بولتے رہے, صادق بولتے رہے, اس کی زبان سے کبھی تم نے کوئی جھوٹی بات نہیں سنی, امانت میں اس نے خیانت نہیں کی, کہیں کسی غلط جگہ پر نہیں گیا. اس کی کتاب زندگی کے ہر ہر ورق کو تم نے روشن مانا ہے. اس کی زندگی کے کسی پہلو پر انگشت اعتراض اٹھانے کی تمہیں جرات نہیں ہوئی, جسارت نہیں ہوئی. 40 سال کے بعد یہ کیسے افطرا کر سکتا ہے؟ وہ بھی افطرا اللہ, اللہ کے اوپر افطرا ناممکن ہے. اللہ نے ستارے کی قسم کھائی ہے. اور کیا قسم ہے, ستارہ ڈوبتا ہے, اس کے تھوڑی دیر بعد سورج نکلتا ہے. اس کا مطلب آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت حصہ گزر گیا ہے, اب بڑھاپا آ رہی ہے. 40 سال گزر گئے نبی کے, اب 40 سال کے بعد آدمی سنجیدہ ہوتا ہے, بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے, ایسے کہ اب ستارے ڈوب گئے, اب سورج نکلنے والا ہے. تو والنجمی کا ہوا, ستارے کی قسم کھا کر کے, وہ بھی چھپنے والے ستارے کی, کہ اب ڈوب گیا ہے ستارہ, قریب ہے ڈوبنے کے, اب سورج نکلنے کی تھوڑی دیر باقی ہے سورج نکلنے میں, اور صبح کی آمد آمد ہے. قسم کھا کر کے فرمایا گیا, ما ضل صاحبکم وما غوا, نہ تو تمہارا یہ صاحب یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ تو ضلالت سے متصف ہے نہ غوایت سے. ایک ہے ضل, ایک ہے غوا. ضل معنی کیا ہوتا ہے اور غوا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اسکولوں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, اسے پڑھ لو نا اردو میں, پڑھ لو نا. تو اب ان جوہلا کے کہنے کی وجہ سے مدرسے بند کر دینے چاہیے, تاکہ نہ ضلالت کا مطلب سمجھ میں آئے نہ غوایت کا مطلب سمجھ میں آئے. ما ضل صاحبکم وما غوا, تو ایک ہے ضلالت, ایک ہے غوایت.
تو میرا نبی تمہارا صاحب نہ تو زلالت سے متصف ہے نہ غوائط سے متصف ہے, نہ ولا نہ غوا. یہ غوائط کیا, زلالت کیا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ زلالت, اور علم کی بنیاد پر صحیح راستے سے انحراف, دیٹ از کالڈ غوائط. اب دیکھیں, 40 سال سے پہلے آپ کو نبوت نہیں ملی, اللہ تبارک و تعالی نے کہا تب بھی میرا نبی صحیح راستے سے ہٹا نہیں, کبھی غلط راستے پر نہیں گیا, اور نبوت ملنے کے بعد بھی کبھی غلط راستے پر نہیں گیا. ایک چھوٹی سی آیت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو بیان کر دیا گیا. سیرت بولے کوئی نبی کی سیرت بیان کرو تو یہ آیت پڑھ دیجیے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. سیرت ختم, نبی کی سیرت ختم ایک جملے میں. ما ضل صاحبکم وما غوا, نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی کوئی خطا نہیں کی, کبھی گناہ نہیں کیا. آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھا, آپ کو محفوظ رکھا گیا, آپ کو معصوم رکھا گیا. آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم, اور نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ معصوم. لہذا نبوت سے پہلے بھی آپ غلطیوں سے محفوظ, اور نبوت کے بعد بھی غلطیوں سے محفوظ. لہذا پوری سیرت ایک آیت کریمہ میں سمٹ کر آ گئی. در حقیقت اس آیت کریمہ میں پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے. یہ وہی مستحق ہے. وہ نجمیلا, یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا انداز جسے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. وہ نجمیلا چوہلا جو ہے, در حقیقت غور کریں کہ قرآن حکیم کیا ہے, اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. وہ نجمیلا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی جو بولتا ہے اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا, بلکہ جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے, زبان اس کی ہوتی ہے, بات اللہ کی ہوتی ہے. یہ ہے نبی کا مقام, اس کا مرتبہ. اس کے بعد معراج کا تذکرہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے. ایک سوال کا جواب دیں, نبی کو تحفے میں کیا ملا آپ جب لوٹنے لگے تھے؟ کتنی چیزیں ملی, صرف گنتی بتاؤ, بولو جلدی سے, کتنی چیزیں ملی؟ ہاں یہ اب عالم ہے تو آپ تو بتائیں یہی نا, اب عالم ہے, آپ سے ہم نے تھوڑی پوچھا. 3 چیزیں ملی. مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے, مسلم شریف کتاب الایمان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب کو 3 تحفے دیے, کہ یہ 3 تحفے اپنی امت کو دے دینا. وہ 3 تحفے کیا ہے؟ 5 وقت کی نمازیں از اکول ٹو 50 ہے نا, 50 کے برابر ہے, 5 وقت کی نمازیں 50 کے برابر. اچھا دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے آمن الرسول سے لے کر کے, اور تیسرے جتنے بھی موحدین ہیں توحید کے اوپر مریں گے سب کی بخشش کا وعدہ ہے. جی یہ خاص طور سے یاد رکھیں, جتنے بھی موحد ہیں توحید کے اوپر جن کا انتقال ہوا ہے, اللہ نے یہ تیسرا تحفہ دیا ہے کہ تمام موحدین کا بخشش کا وعدہ کرتا ہوں, تب کو بخش دوں گا, خوش ہو جائیے. یہ مسلم شریف کتاب الایمان کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج سے لوٹتے وقت کن چیزوں کا تحفہ دیا؟ 3 تحفے دیے. پہلا تحفہ 5 وقت کی نماز ہے, دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے, تیسرا تحفہ کہ توحید پر جو مرے گا اس کے لیے ہماری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے, ہم اسے ضرور بخشیں گے. یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بطور تحفہ, بطور گفٹ عنایت فرمایا, تاکہ وہ گفٹ, خصوصی تحفہ, اسپیشل گفٹ اپنی امت کو دیں آپ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا نبی کہاں تک گئے, بولے سدرۃ المنتہا تک. اس کے آگے کیا ہے؟ جنت الماوا. جنت الماوا, ڈاکٹر حلوق نور باقی ایک سائنٹسٹ ہے ترکی کا, اس کی ایک سائنسی کتاب پڑھ رہا تھا میں, ڈاکٹر حلوق نور باقی نام ان کا, یہ ترکی کے ایک مشہور سائنٹسٹ ہے. انہوں نے بتایا کہ جنت میں, وہ ایک سائنسی توجہ کی ہے انہوں نے اور اچھی لگی, وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ. ویسے قرآن جو ہے کسی سائنسی تائید کا محتاج نہیں ہے, قرآن ہر بات میں خود کفیل ہے, کسی سائنسداں کے تائید کی اسے ضرورت نہیں ہے. پھر بھی میں آپ کو علم میں اضافے کے لیے بیان کر دیتا ہوں کہ جنت میں آدمی بوڑھا کیوں نہیں ہوگا اور مرے گا کیوں نہیں, وہ سائنٹسٹ ہیں بتا رہے ہیں, اس کی سائنسی توجہ کی انہوں کہ در حقیقت دنیا میں ایک چیز ہے وقت, اور دوسرے ہے کشش سے ثقل, کھینچتی ہے نا زمین, ہر چیز کھینچ رہی ہے اپنی طرف, ہر چیز ایک کشش رکھتی ہے اپنے اندر. تو ایک تو کھینچاؤ ہے اور دوسرے وقت کا تریان, وقت کا گزرنا. تو یہاں وقت کا گزرنا اور کشش ثقل, یہ دونوں انسان کی انرجی کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتے ہیں, اور وہاں نہ وقت ہے اور نہ ثقل ہے. لہذا سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی مرے, سوال ہی نہیں ہے کہ آدمی بوڑھا ہو, اس لیے کہ وہاں وقت بھی نہیں ہے اور وہاں ثقل بھی نہیں ہے. یہ ایک سائنسی توجیہ ہے جو ڈاکٹر نور حلوق نور باقی نے کی.
उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन हिया इल्ला अस्माउ समैतुमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंजलल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह के अलावा बहुत से बुत बना लिए गए हैं, आदमी अपने हाथों से बुत बनाता है और खुद ही उसकी परस्तिश करता है। अब अल्लाह तबारक तआला पूछता है अपने हाथों से तुम बनाते हो बुत को और खुद ही पूजा करते हो, माबूद मानते हो, क्या अल्लाह ने इस पर कोई दलील नाजिल की है कि अपने हाथों से किसी चीज को तराशो और तराशने के बाद उसकी पूजा करने लगो। अपने हाथ से तुमने तराशा और उसकी पूजा करने लगे, ये माबूद बन गया, क्या इसके माबूद होने पर ऊपर से कोई दलील उतरी है? अल्लाह ने तो इस पर कोई दलील नहीं उतारी। अच्छा, एक चीज तो ये, और दूसरी बात ये कि तुमने मिट्टी से कोई तिमसाल बनाया, कोई स्टैचू बनाया, तुमको कैसे मालूम कि इसमें खुदाई सिफात आ गई? ये तो चल नहीं सकते, ये तो बोल नहीं सकते, खुदाई सिफात नहीं आई। और जब खुदाई सिफात नहीं आई तो इनकी इबादत तुम कैसे कर रहे हो? इसका मतलब वहमो गुमान की बुनियाद पर कर रहे हो, और अकीदे की बुनियाद यकीन के ऊपर होनी चाहिए, ना कि वहमो गुमान के ऊपर। अकीदे के पीछे मुस्तहकम दलाइल का होना जरूरी है, वहमो गुमान के ऊपर अकीदे की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। यह है अकीदा, अकीदे में और वहमो गुमान में फर्क। अकीदे की बुनियाद मुस्तहकम दलाइल के ऊपर होती है, वहमो गुमान के ऊपर नहीं। इसलिए सभी मानते हैं कि अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, अकीदे में तकलीद जायज नहीं है, कोई नहीं मानता इसको। पता यह चला कि अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की इबादत करना जायज नहीं है, दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक नाम है। लोग एक बुत बनाते हैं, उसका एक नाम रख देते हैं, सिर्फ नाम है, मुसम्मा का पता नहीं, नाम है मुसम्मा का पता नहीं है। इन्हीं इल्ला अस्माउ समैतुम, ये नाम है फकत, तुमने उनका नाम रख लिया है, नाम है मुसम्मा का पता नहीं। उसके बाद अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अल्लाह तज़रु वाज़िरतुम वज़्र उख़्रा वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा और इंसान को वही कुछ मिलने वाला है जो उसने कोशिश की है। कुरान खानी, तीजा, चहलुम, ये तमाम की तमाम जो बिदातें ईजाद की गई हैं खाने पीने के नाम पे कि इसके जरिए मुर्दों को सवाब मिलता है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इंसान ने जो कुछ किया है सिर्फ उसी को उसका सवाब मिलने वाला है। हदीस शरीफ में इंसान मर जाता है तो उसका अमल खत्म हो जाता है, सिर्फ तीन चीजें मिलती हैं, तीन चीजों का सवाब मिलता रहता है। क्या? एक तो कोई अच्छा इल्म छोड़ करके गया है, सदका जारिया है, और इसी तरह कोई अच्छा लड़का है, अच्छी औलाद है जो उसके लिए दुआ करें। अब ये कुरान खानी, तीजा, ये तमाम की तमाम जो बिदअतें ईजाद की गई हैं इनका कोई सबूत ना कुरान से है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है। उसके बाद सूरह कमर शुरू होती है इख्तरबत अस्साअतु वंशक्कल कमर वहीं आयतन युरिदु वयकूलु सिहरुन मुस्तमिर। कयामत करीब आ गई है, चांद दो टुकड़े हो गया। दर हकीकत हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है बुखारी शरीफ के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन के मुतालबे पर अपनी उंगली चांद की तरफ उठाई तो चांद दो टुकड़े हो गया। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो इस रिवायत के रावी हैं, और गवाह कौन कौन है? हजरत जुबैर इब्न मुतईम, हजरत हुज़ैफा, हजरत अली, बहुत सारे सहाबे किराम इस वाकये के शाहिद हैं, गवाह हैं। वो कहते हैं कि जब चांद दो टुकड़े हुआ तो एक टुकड़ा एक पहाड़ के ऊपर चला गया, दूसरा टुकड़ा दूसरे पहाड़ के ऊपर जबल अबू कुबैस के ऊपर चला गया। दोनों टुकड़े दो पहाड़ों के ऊपर चले गए, इसका मतलब चांद दो टुकड़े हो चुका। दर हकीकत ये कयामत के वकूअ की एक दलील भी है कि देखो आज चांद के दो टुकड़े हो गए, कुर्बे कयामत में पूरे अजराम फलकिया को दरहम बरहम कर दिया जाएगा। उसकी निशानी है कि आज चांद दो टुकड़े हो गया मेरे नबी की उंगली के इशारे से। और चांद पर जो लोग पहुंचे हैं उसकी सतह के ऊपर उन्होंने देखा कि बहुत सारे आतिशफशानी गढ़े हैं जिनको इंग्लिश में क्रेटर बोलते हैं, C-R-A-T-E-R-S, क्रेटर्स। क्रेटर्स कहते हैं आतिशफशानी गढ़ों को, आतिशफशानी गढ़े जिनको अंग्रेजी में क्रेटर्स बोला जाता है, ये वहां चांद की सतह पर मौजूद हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी इस चांद के अंदर कोई असर आया था जिसकी वजह से चांद दो टुकड़े हुआ और थोड़ी ही देर के अंदर कानून इंजज़ाब ने उसे फिर दोबारा मिला दिया हो। कोई अजब नहीं, साइंस भी इस बात की तरदीद नहीं करती बल्कि तौसीक करती है कि हो सकता है कि चांद दो टुकड़े हुआ हो। कोई अजब नहीं कि थोड़ी देर के लिए चांद दो टुकड़े हुआ हो, चांद फट गया हो और फिर बाद में कानून इंजज़ाब ने फिर दोनों टुकड़ों को आपस में मिला दिया हो। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसलिए कि क्रेटर्स और आतिशफशानी गढ़े मौजूद हैं जो इस बात का इम्कान पेश करते हैं कि हो सकता है
कि चांद फट गया। और हमारा तो यकीन है इस हदीस की रोशनी में और कुरान हकीम की आयत में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगुश्त मुबारक उठी तो चांद दो टुकड़े हो गए। उसके बाद सूरह रहमान शुरू होती है। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि हम जो कुछ देते हैं, हमारी एक नेमत ये भी है कि हर चीज़ पैकिंग में देते हैं, खुली चीज़ हम नहीं देते। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, सबसे पहले तो ये कहा गया कि रहमान ने, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया। इसका मतलब है कुरान हकीम दर हकीकत अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी रहमत है इंसान के ऊपर, रहमत बना करके भेजा गया। इसलिए कि अल्लाह खुद रहीम, उसका रसूल खुद रहमत वाला, मुमार सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, और कुरान भी बसूरत रहमत अल्लाह तबारक होता। एक रहीम ने एक रहीम के हाथों एक रहमत वाली चीज को इंसानियत के सामने पेश कर दिया। यही तो कहा जा सकता है अल्लाह रहीम और उसका रसूल भी रहीम। कायनात के लिए रहमत, उमर सल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन, और कुरान भी रहमत, खतम व रहमा, कुरान हकीम की सिफत बयान की गई। बोला रहीम ने रहीम के हाथ और रहमत इंसानियत के सामने पेश कर दी। अब अल्लाह का रहम चाहिए तो इस रहमत वाली चीज को पकड़ लो, जिस रहीम ने रहीम के हाथों आपको यह रहमत दी, सही है जी। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्स वल कमर बिहुस्बानी वन नजम व शजर यसजुदान वस्समा रफअहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्र बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام ذات الاكمام بالکل پیکجڈ پیکنگ میں ہم ہر چیز دیتے ہیں کیلا کھلا نہیں دیا جاتا آپ کو اوپر سے اس کی پیکنگ اتاری ہے اس کے بعد کھائیے خلاف ہے اوپر سے ہم جو چیز گیہوں دیتے ہیں تو بھالیوں کے اندر دیتے ہیں کوئی چیز ہم کھلی نہیں دیتے آپ کو بالکل تازی دیتے ہیں وہ بھی پیکنگ کے اندر دیتے ہیں ہر چیز خالص دیتے ہیں لہذا ہمارے پاس جب بھی آؤ تو خالص تابعدار ہو کر کے آؤ یہ کیا کہ ہم ہر چیز آپ کو خالص پیش کریں اور ہمارے پاس آپ کے اعمال ہے تو خالص نہ ہوں یہ تو بالکل غلط بات ہوگی تو ہم ہر چیز پیکج دیتے ہیں پیکج میں دیتے ہیں اس کے بعد فرمایا گیا رب المشرقین و رب المغربین وہ دو مشرقوں کا دو مغربوں کا مالک ہے اگر اس کو سمجھنا ہے وہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے سائنس کی کتابوں میں دیکھو یہ بال ہے نا بال یہ بال ہے ایک اب بال کو رکھ دو اسے نیچے اس کے بعد ایک ٹارچ لو ایسے سمجھایا جاتا تھا سائنس کے پیریڈ میں کہ ایک بال رکھ دیا گیا بال اور ادھر رکھ دیا گیا انڈیا اب پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ بالکل امریکہ انڈیا کے بالکل پیچھے تو ایک بال رکھ دیا گیا بال کے سامنے لکھ دیا گیا انڈیا اور بال کے پیچھے لکھ دیا گیا امریکہ اب روشنی ڈالیے تو اب انڈیا کا پورا حصہ آپ کے سامنے ہے اور روشن ہے اور امریکہ تاریخ ہے پیچھے کی طرف اب ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے انڈیا ہے تو اس کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے اور پیچھے جو امریکہ ہے اس کا ایک مشرق اور ایک مغرب ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان رب المشرقین و رب المغربین دو مشرقوں کا مالک اور دو مغربوں کا مالک تو اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے کیا کتاب ہے سبحان اللہ کیا کتاب ہے کیسی گفتگو کرتی ہے فرمایا گیا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان دو دریا ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں آگے چل کر کے مل جاتے ہیں ملنے کے بعد دونوں کا پانی آپس میں ملتا نہیں اس لیے کہ ان کے درمیان دو پانیوں کے درمیان ایک انسین بیریئر ہوتا ہے ایک برزخ ہوتا ہے ایک نہ دکھائی دینے والی آڑ یہ نہ دکھائی دینے والی آڑ یہ جو انسین بیریئر ہے یہ ایک پانی کو دوسرے پانی میں ملنے نہیں دیتا کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں ملتا اور میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں ملتا اس کو سائنس کی اصطلاح میں سرفیس ٹینشن بولتے ہیں سرفیس ٹینشن مثلا ایک گلاس ہے گلاس گلاس کو پانی سے بالکل پر کر دیجیے اس کے بعد جب پانی بالکل یہ پیمانے کے گلاس کے خط پر آ جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے رکے گا اور اس کے بعد پھر بہے گا یہ اس کو کہتے ہیں سرفیس ٹینشن اسی سرفیس ٹینشن کی وجہ سے یہ چیز پائی جاتی ہے سمجھا رہا ہوں
डाभेल में, डाभेल गुजरात में, डाभेल शहर से 12 किलोमीटर पर समंदर है, 12 मील पर या 12 किलोमीटर 12 मील या 12 किलोमीटर से थोड़े फासले पर। अब जब समुंदर का पानी जब मद्ध होता है, मद्ध मींस पानी जब बढ़ता है समुंदर का, और जजर मींस जब घटता है, मद्ध जजर, मद्ध मींस बढ़ना, जजर माने घटना, जब पानी समुंदर का बढ़ता है मद्ध होता है तो ये पानी समुंदर का आसपास की नदियों में आ जाता है जिनका पानी मीठा है, चढ़ाया मद्ध हुआ तो समुंदर का खारी पानी मीठे पानी की नदियों में आ गया, और जब जजर होता है तो पूरा खारा पानी मीठे पानी के ऊपर से उतर करके समुंदर में चला जाता है और मीठा पानी वहीं बाकी रहता है। इसका मतलब मीठा पानी खारे पानी में नहीं मिलता, खारा पानी मीठे पानी में नहीं मिलता। अगर मुशाहदा करना हो तो डाभेल की नदियों के पास चले जाओ जहां समुंदर बिल्कुल पास में है। तो मरजल बहरैन यल्तकियानी बैनहुमा बरज़खुल ला यब्गियान। मैं चाहता हूँ जेवी कोस्टू का वो वाकया बयान करूँ, ये बहुत बड़े मुहक्किक हैं और ये पानी के अंदर तहकीकात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि मेडिटेरेनियन सी और इस तरीके से अटलांटिक सी, बहर ओकियनोस और इस तरीके से ये जो दो दरिया हैं, अब ये दो दरिया ओकियनोस और एक का और नाम है मेडिटेरियन सी, दोनों अटलांटिक और मेडिटेरियन, दोनों ये कीमियावी और हयाती एतबार से दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं दोनों के पानी। और जेवी कोस्ट्यू ये एक फ्रांसीसी साइंसदान थे और नॉन मुस्लिम, ये काफिर थे, गैर मुस्लिम थे, ये पानी के ऊपर तहकीक कर रहे थे। तो उनका कहना यह है कि मैं आबनाए जिब्राल्टर के करीब जब पहुंचा तो मैंने देखा कि समुंदर के नीचे चश्मे हैं पानी के, और मेरी जब तहकीक आगे बढ़ी तो मैंने ये देखा कि जबलुत्तारिक के जुनूबी साहिल यानी मराकश और जबलुत्तारिक के शिमाली साहिल यानी कि स्पेन, यहां इन साहिलों के नीचे मीठे पानी के चश्मे जारी हैं, खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा जारी है, और ये चश्मे 45 डिग्री का 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और बाकायदा कंघों कंघे की दांतियों की शक्ल, दांतों की शक्ल में एक दूसरे से ऐसे आकर के मिल जाते हैं 45 डिग्री का जाविया बनाते हुए आपस में मिल जाते हैं। गोया जेरे समुंदर पानी के खारे पानी के नीचे मीठे पानी का चश्मा जारी है, मीठे पानी के चश्मे मौजूद है। कहते हैं कि जब यह आयत उनको दिखाई गई जेवी कोस्टी को, मरजल बहरैन यल्तकियान बैनहुमा बरज़खुल ला यब्गियान, जिसकी वजह से अटलांटिक सी का पानी और मेडिटेरेनियन सी का पानी आपस में एक दूसरे से मिलता नहीं, यही वजह है जो वजह उन्होंने बताई कि उसके अंदर पानी के मीठे पानी के चश्मे हैं। जेवी कोस्टी को याद करीमा दिखाई गई सूरह रहमान के, फौरन ही मान लिया, उन्हें बड़ी हैरत हुई, कहा कि कुरान में ये चीज मौजूद है, और उसके नीचे लिखा गया जहां उनके ईमान लाने का तस्करा है कि दिस इज द वर्स दैट शोड द जेवी कोस्टी राइट वे, ये वही आयत है जिसने जेवी कोस्टी को सही रास्ता दिखाया, दिस इज द वे दैट शोड द कोस्टी द राइट वे, ये वही आयत है जिसने कोस्टी को सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी। मरजल बहरैन यल्तकियानि बैनहुमा बरज़खुल ला यब्गियान, दो दरिया आपस में मिलकर के चलते हैं और फिर एक का पानी दूसरे पानी के अंदर नहीं मिलता, इसलिए कि सरफेस टेंशन मौजूद है जिसको कुरान हकीम की ज़बान में बरज़ख कहा गया, एक अनसीन बैरियर दोनों के दरमियान। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, कायनात की हर शय जो भी कायनात में सिर्फ अल्लाह से मांगती। अब जब सब अल्लाह ही से मांग रहे हैं तो उनसे क्यों मांगते हो जो अल्लाह से मांगते हैं, जिनसे वो सब मांग रहे तुम भी उसी से मांगो ना। तो कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो सब अल्लाह से मांगती हैं, बड़ा बदनसीब है वो शख्स जो अल्लाह को छोड़ करके दूसरों से मांगता है, अरे वो खुद मोहताज है, एक तेही दस्त को क्या देता है, एक खाली हाथ वाला एक खाली हाथ को क्या दे सकता है। यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्द, कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब अल्लाह ही से मांग रही है। अच्छा, छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज अपनी हिफाजत के लिए, किसी साइंस की बुक में मैंने पढ़ा था फिजिक्स की, कि ये हर चीज का एक न्यूक्लियस होता है,
न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माने मरकजा, एक होता मरकज जिसको सेंटर कहते हैं, एक होता मरकजा उसको फिजिक्स की इस्तेलाह में न्यूक्लियस कहते हैं। आपको मालूम है कि पहले ये अकीदा था, पहले ये एक थीम थी, नजरिया था कि आइटम टूटता नहीं है, लेकिन आइटम को तोड़ करके बताया गया कि आइटम टूटा तो तीन चीजें निकली, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन ऐसे ही होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब बताइए न्यूक्लियस के अंदर इतना अल्लाह तबारक व तआला ने पावर रख रखा है, ये दुआ मांगता रहता है, क्या ये न्यूक्लियस एक छोटी सी चीज आइटम ही नजर नहीं आता, चाहे उसके न्यूक्लियस को देखा जाए तो पता नहीं क्या क्या हालात है जिसे साइंसदान हजरात देखते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर इतनी कुव्वत है कि अगर इत्तेफाक से किसी न्यूट्रॉन को दाखिल कर दिया जाए, किसी न्यूट्रॉन को, ये बम की तरह फक से उड़ जाएगा जी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर कुव्वत ये रखी है कि जैसे न्यूट्रॉन को दाखिल किया गया कि इसको डिस्टर्ब करे न्यूक्लियस को, फौरन अल्लाह तआला ने उसको एक कुव्वत दिया कि न्यूट्रॉन को फौरन प्रोटॉन में तब्दील कर देता है, धमाके से खुद ब खुद बच जाता है। क्या बात है, यसअलहु मन फिस समावाति वल अर्ध कुल्ल यौमिन व फी शान, हर लम्हा हर दिन उसका एक काम है, हर लम्हा एक काम है, किसी को कुर्सी पर बिठाता है, किसी को कुर्सी से उतार देता है, किसी को इज्जत देता है, किसी को जिल्लत देता है, किसी को हिदायत देता है, किसी को जलालत से हम करार करता है, किसी को उरूज देता है, किसी को सवाल देता है, किसी को तबाह करता है, किसी को उठाता है, किसी को बिठाता है, हर लम्हा उसका एक काम, किसी को दौलत देता है, किसी को मुफलिस बना देता है, किसी को सेहत अता फरमाता है, किसी को बीमार कर देता है, अल्लाह हू अकबर, हर लम्हा उसका एक काम है। कुल यौमिन हुवा फी शान, सुभानअल्लाह अम्मा यसिफून। तो फबियय्यि आला रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, हिम्मत है। और उसके बाद कहा गया तुम्हारी मिसाल तो बंधे हुए घोड़े की सी है, घोड़ा है, अब क्या करते हैं उसके गले में रस्सी डाल करके एक खूंटे के अंदर उस रस्सी को बांध करके ठोंक देते हैं एक जगह, अब ये आजाद है नहीं, ये चलता है, चलते 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 एक ऐसी जगह पहुंचता है कि रस्सी तन जाती है, बस ये इसकी दौड़ धूप का तगोदो का पूरा दायरा है, बेटा आगे तू नहीं जा सकता, इसलिए कि रस्सी अब यहीं तक तन गई है खाली, अब यही घूमता रहे तेली के बैल की तरह, आगे कहीं नहीं जा सकता। अल्लाह ने फरमाया तुम्हारी मिसाल भी इसी तरह है, तुम कहीं भाग कर नहीं जा सकते। या माशर अल जिन्न वल इंस इन इस्ततातुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ध फनफुज़ू ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान, इस कायनात से बाहर निकल करके बताओ, हमारी कायनात से बाहर निकल ही नहीं सकते, तुम तो यहीं फंसे हुए हो, बाहर जा ही नहीं सकते तुम, और बाहर जा नहीं सकते तो हमारे कब्जे कुदरत से, हमारे दायरे इख्तदार से निकल कैसे सकते हो, पकड़ में तो तुम आने वाले हो, मेरी पकड़ से भाग कर कहीं भी नहीं जा सकते तुम, कहीं भी नहीं जा सकते, लिहाजा आपने अपने होश ठिकाने कर लो, ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान अल्लाह। उसके बाद कहा गया कि जो आदमी अल्लाह के सामने खड़े होने से डर गया कि एक दिन मुझे हिसाब किताब देना है, तो उसके लिए दो जन्नतें, क्या बात है, मुफस्सिरीन ने लिखा दो जन्नतें कहेगी, बोले एक जन्नत खाली सोने की होगी, उसमें खाने पीने के जो चमचे होंगे, इवन चमचे भी, स्पून भी, सब सोने के होंगे, दीवार सोने की, पलंग सोने का, सारी चीजें सोने की, एक जन्नत पूरी सोने की और दूसरी जन्नत सब चांदी की, तो सब चांदी ही चांदी। और एक मुफस्सिर ने तो अजीब तबसरा किया कि एक जन्नत होगी शहरी और जन्नत होगी बदवी, ओ जहां जाते ना घूमने घामने के लिए पहाड़ों के दरमियान और वादियों के दरमियान, वहां का मंजर अलग होता है, वहां का क्लाइमेट अलग होता है, वो एक बदवी जिंदगी है, सहराई जिंदगी है, और एक शहरी जिंदगी। तो अल्लाह तबारक तआला हो सकता है इस तरीके भी दो जन्नतें अता फरमाए, इसको सैयद कुतुब शहीद ने अपनी किताब के अंदर लिखा, यह नुक्ता बयान किया उन्होंने। तो अल्लाह के सामने जो खड़े होने से डर गया उसके लिए दो जन्नतें, एक जन्नत सोने की, एक जन्नत चांदी की। यहां तक कि जो फल दिया जाएगा वो भी दो किस्म का, फीमा मिन कुल फाकिहति ज़ौजान, एक फल तो वो होगा जो दुनिया में आदमी ने देखा होगा, और एक किस्म होगी जिसे दुनिया में देखा ही नहीं होगा ऐसा, और ऐसी हूरें मिलने वाली हैं कि जिसे किसी इंसान ने छुआ, लम यतमिसून ने इंसुन क़बलहु वला जान, किसी जिन्नात ने और किसी इंसान ने उनको छुआ भी नहीं है, ऐसी पाकीज़ा, अपनी निगाहों को नीचे रखने वाली, अपने शौहर से इंतहाई मोहब्बत करने वाली, ऊँगी सफर। अल्लाह तबारक व तआला ने हूरों की सिफत बयान फरमाई और बताया कि फीहिन खैरातुन हसान, हूरों की दो सिफत बयान की गई, एक खैरात और एक हसान, खैरात यानी इंतहाई पाक किरदार, और दूसरे हसान इंतहाई हसीन यानी सीरत और सूरत, दोनों मिलकर के
یعنی کمال سیرت اور کمال حسن از اکول ٹو حور, یہ ہوا. یعنی انتہائی باکردار اور انتہائی حسین دونوں چیزوں کے, کردار بھی اعلیٰ درجے کا, حسن بھی اعلیٰ درجے کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حوروں کی توصیف فرمائی. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورہ واقعہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حوروں کی توصیف فرمائی ہے, ان کی تعریف فرمائی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا. انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عروبا اترابا لاصحاب الیمین. پھر جہنمیوں کا تذکرہ ہے. پھر ایک ایک لا یمسو الا المطہرون. یہ قرآن حکیم جو اترا ہے یا رب العالمین کی طرف سے اترا ہے, اس کو صرف پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں. یہاں مطہرون سے مراد فرشتے ہیں. لہٰذا علامہ البانی نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر آدمی بے وضو بھی ہو تب بھی قرآن کو چھو سکتا ہے. بے وضو قرآن کو چھو سکتا ہے, نہ چھونے پر کوئی بھی حدیث اور کوئی بھی نص صریح موجود نہیں ہے. اس کے بعد سورہ حدیث شروع ہوتی ہے. سورہ حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اہم بات یہ بیان فرمائی کہ انسان کے اوپر دو طریقے کی مصیبتیں آتی ہیں. ایک زمین کے اوپر آتی ہے اور ایک اس کے خود جسم کے اوپر آتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسی الا فی کتاب من قبل ان نبراہ. دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر. زمین میں مصیبت آنے کا مطلب امن و سکون غارت ہو جائے, کرفیو لگ جائے, فساد برپا ہو جائے, آدمی کو سکون نہ ملے, سب کچھ رکھا ہوا, تجوری میں پیسے ہیں, کھانے پینے کے عیش و آرام کے سامان ہیں, لیکن امن نہیں ہے. تو زمین پر آفت اور مصیبت کا مطلب یہ ہے کہ امن و سکون غارت کر دیا جائے. آدمی کے پاس پیسہ ہو مگر سیدھے سے سو نہ سکے, آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ہو مگر سیدھے سے کھا نہ سکے, تو یہ ہے زمین پر مصیبت. زمین پر سے امن و سکونت کا غارت ہو جانا در حقیقت یہ ایک طریقے کی مصیبت ہے زمین کے اوپر. اور نفس کے اوپر, آدمی کے جسم کے اوپر مصیبت کا کیا مطلب ہے؟ آدمی بیمار ہو جائے, آدمی کے ساتھ کوئی حادثہ لگ جائے, کسی موذی مرض کے اندر مبتلا ہو جائے, تو ان دونوں مصیبتوں کے اندر آدمی گرفتار ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ رہبانیت یعنی سوسائٹی چھوڑ کر کے, معاشرہ چھوڑ کر کے جنگلوں میں نکل جانا, یہ عیسائی پادریوں نے ایجاد کیا تھا. اس کو نبھا نہیں سکے وہ لوگ, وہ نبھا نہیں سکے. انہوں نے ایک بدعت ایجاد کی لیکن نبھا نہیں سکے. اور بعد میں کیا ہوا, وہ لوگ بھی شادی نہیں کرتے تھے اور پھر کچھ عورتوں نے بھی شادی کرنا چھوڑ دیا, ننے بن گئیں, اور پھر جو گرجا گھروں کا حال ہوا تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے کہ جو چیز فطری طور پر کیا جا سکتا تھا اس کو ناجائز طریقے پر وہ لوگ کرنے لگے. یہ تھا 27ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.